point charges three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at vertex A in the direction normal to the BC is. तो वो कह रहा है कि जो चार्ज है ये वाला हमारे पास ए ए वर्टेक्स पे, उस पर क्या फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दी बी सी. तो बेसिकली इस वक्त इस पर दो चार फोर्सेस लग रही हैं, एक बी पे जो चार्ज पड़ा उसकी वजह से और एक जो चार्ज पड़ा हुआ है सी पे उसकी वजह से. ठीक है, तो इस पर ये दो फोर्सेस लग रही हैं. अब हम देखते हैं कि बारी बारी फोर्सेस क्या लग रही है. इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो वो इस डायरेक्शन में होगी. और जो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट है तो वो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, अब हमने डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेनी है. बेसिकली फोर्स नॉर्मल टू द बी सी, तो नॉर्मल टू द बी सी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये लाइन हो जाएगी. ठीक हो गया. अब हम इसको देखते हैं कि इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं इन दोनों फोर्सेज के. तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का पता होना चाहिए, तो ये हमारे एक्स एक्सिस है, दोनों का इससे एंगल 60-60 है. ठीक है, तो इसका एंगल भी इसके साथ 60 है और इसका एंगल भी इसके साथ 60 है. तो दोनों के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ उनके डायरेक्शन में फ़र्क आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें दोनों के, तो दोनों के एक्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा और इसका वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस कंपोनेंट सॉरी इस डायरेक्शन में होगा. अब दोनों के एक्स एक्सिस सेम है तो वो तो ऐड अप होकर इस तरफ हो जाएंगे, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये जब ऐड अप होंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे और वो हमसे वाई डायरेक्शन में ही इसका कॉम्पोनेंट मांग रहा था बेसिकली. तो हमारे पास जो है इसका आंसर बनता है ज़ीरो.